आप नेगेटिव वाइब्रेशन से मुक्त हो जाएंगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन तुलसी माता को आप देखेंगे तो दो तीन दिन के अंदर ही वो एकदम मुरझा जाएगी, वापस सात आठ दिन में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन दो तीन दिन के अंदर एकदम मुरझा जाएगी। इतना ही नहीं, मेरे मित्र हैं, योगी है, उन्होंने कहा कि एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा मैं सुसाइड करना चाहता हूं, ये दुनिया बेकार है, यहां सब स्वार्थी हैं, सब पैसे के पीछे हैं और सब बोलने लग गया। उन्होंने कहा ठीक है तेरी बात मैंने सुन ली, अभी अगर तू सुसाइड करेगा तो तुझे पाप लगेगा, तो एक काम कर, पहले तू तुलसी माता के सामने जाके बैठ और जो भी बोल रहा है तुलसी माता को बोल दे और उसके बाद सुसाइड कर लेना, तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, वो गया और जाकर उसने तुलसी माता के सामने सब कुछ बोल दिया। दो दिन के बाद योगी को मिलने आया तो योगी ने कहा अरे तू सुसाइड नहीं किया, क्या बात है? बोला नहीं, मैंने विचार किया कि सुसाइड करना ठीक नहीं है, सुसाइड करना तो पाप है, सुसाइड तो कायरता है, तो मैं सुसाइड नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक गजब की बात हो गई कि मैं जिस तुलसी माता के सामने जाकर अपना रोना रोया वो तुलसी माता खत्म हो गई। तो जो अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर दूसरे की प्राणों की रक्षा करती है उसको मां कहते हैं, इसलिए तुलसी को भी मां कहा जाता है। ऐसे ही पशु जगत के अंदर गौ हमारे प्राणों की सबसे ज्यादा रक्षण पोषण करती है, इसलिए गौ को भी, गाय को भी हम मां कहते हैं। मैं कई बार स्कूलों में, कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, वहां मैं पूछता हूं प्रश्न, मैंने देखा स्कूल के बच्चे जैसा आंसर देते हैं वैसे बड़े बड़े लोग भी आंसर देते हैं। मैं उनको कहता हूं गाय को मां क्यों कहते हैं, तो कहते हैं गाय दूध देती है। मैं कहता दूध तो भैंस भी देती है, कोई बोलता है भैंस मां, दूध तो बकरी भी देती है, कोई बोलता है बकरी मम्मी। और मां की बात तो छोड़ो, कोई बोलता है कि भैंस मौसी। और देखो अगर अपन कोई अपनी मौसी को कहेंगे मेरी मौसी तो एकदम गाय है तो मौसी बड़ी खुश हो जाएगी, लेकिन गलती से मुंह से निकल गया कि मेरी मौसी तो एकदम भैंस है, फिर क्या होगा? फिर तो डंडा लेके पीछे आएगी कि मेरे को भैंस का। अब भैंस दूध देती है लेकिन भैंस बोलना गाली है। और जिसको हम मौसी कहते हैं, कभी किसी ने उस मौसी का दूध पिया, बिल्ली मौसी का? तो जब 84 लाख योनियों में से हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने गाय को ढूंढ निकाला और उसको मां कह दिया, तो जब मां का दूध जीवन भर मिल सकता है तो जानवर का दूध पीना ये साइंस है या मां का दूध पीना ये साइंस है? तो इसलिए सबसे पहला कारण है कि अगर हम मां का दूध अगर जीवन भर पी सकते हैं तो मां का दूध पिए, क्योंकि वो प्राणवान है। दूसरी बात, थोड़ा प्राण की फिलॉसफी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी दर्शन, तो यूरोप के साइंटिस्ट क्या कहते हैं वो बता देता हूं। वो कहते हैं मिल्क इज वाइट पॉइजन। क्यों? क्योंकि बात सही है, वहां जो पशु है जिसको हम गलती से काऊ कहते हैं वो काऊ नहीं है, वो गाय नहीं है, गाय जैसी है। वहां की जो जानवर है जिसको होलेस्टिन फ्रीजियन या फिर हम एचएस कहते हैं या जर्सी कहते हैं, ये गाय जैसी है, गाय नहीं है। स्टिम मिल्क के ऊपर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये मिल्क जो है A1 टाइप का है और ये मिल्क जो है हानिकारक है। और वहां की जो जाति है उसको वो कहते हैं बॉस टॉरस। लेकिन जब उन्होंने भारतीय गायों का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जो गाय है इनका मिल्क जो है वो A2 टाइप का है और यहां की नस्ल को वो कहते हैं, यहां की ब्रीड को वो कहते हैं बॉस इंडिका। तो ये जो बॉस इंडिका जो है ये गौ माता है और ये जो बॉस टॉरस है ये पूतना है। पूतना मालूम है ना कौन थी? जो कंस को मारने गई थी, सॉरी कृष्ण को मारने गई थी, कंस ने भेजा था। जब से उसका दूध हमारे देश में आया है और डेयरी ने इन दूध का प्रचार किया है तब से हमारे देश में डायबिटीज भयंकर बढ़ गई है।